बिसमिल्रम् अल्लाम आलिख्यम ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है मैं तारिक मदीन हूँ वल्ल खैरमकर अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाउंस है जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता तो अहम तरीन तफसलत हैं जो इस वीडियो में आपके साथ फ़ल्लर की जमात जमीतलम इस्लाम फ़जलान ग्रुप के हवाले से शेयर करनी है आ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है एक घंटी का बटन दबाइए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अब फजल रहमान की जमात पर भी बात करेंगे और मोहम्मद औरंगजेब नए वजी ख़जाना उन पर भी बात करेंगे पहले रहमान की जमात की बात रहमान की जमात के हवाले से गुजत कुछ दिनों से हमारे पास पता क्या चल रहा था कि फवाद चौधरी साहब जब बाहर आए एक अदत केस के सिलसिले में तो उन्होंने भी अदालत के बाहर ये कहा कि रहमान की जमात को अगर शहबाज़ शरीफ ने मैनेज नहीं किया तो फिर उनकी हुकूमत नहीं चल पाएगी फजलान को मैनेज करना काम है लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि फजलान को मैनेज या तो कर दिया गया है या किया जाने वाला है ऐसी हमें सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है मुमकिन है कि फजल रहमान जो उम्र के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं वापस आएँ तो हमें सिचुएशन कुछ मुख्तलफ नज़र आए लेकिन उनके यहाँ मौजूद ना होने पर जो सिचुएशन हमारे सामने है जाहिर है कि उनकी जमात में ये फ़ैसले उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं लिए जाएंगे लेकिन अब हमें सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नजर आई है और ये कहा जा रहा है कि आगे जाकर यह सिचुएशन और मुख्तलिफ होगी रहमान को भी शायद मैनेज कर लिया गया है ज्यादा मसाइल नहीं होंगे इस तरह की एक पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है कैसे ये जो अली गंडापुर के खिलाफ एक केस है और इस केस में 26 मार्च को समात है और उस समात के नतीजे में कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर गए उन्हें वजीर बना दिया गया है लेकिन चले जाएंगे वो वज़ारत आला का मनसब भी खो देंगे और असम्बली की रुकनीत भी अहल हो जाएंगे अली अमीन गंडापुर उनके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है जमीदुल इस्लाम रहमान ग्रुप के कफील साहब की जानब से तो अली अमीन गंडापुर निशाना बनाए जाएंगे और निशाना बनाकर ज़ाहिर है कि बहुत से लोग बताए थे ना आपको कि अंसर अब्बासी साहब ने बताया फैसल वाउडा ने बताया दीगर लोगों ने बताया कि इस फैसले से इमरान ख़ान और इस्टाब्लिशमेंट के जो ताल्लुक़ हैं वो ख़राब होंगे बेहतर नहीं होंगे और ये फ़ैसला मज़ीद बिगाड़ की वजह बनेगा इमरान खान ये बता रहे हैं कि वो अपनी शराइ पर बात करेंगे और वो इस्टाब्लिशमेंट से तल्लुक़ जिस तरह से बहुत से सहाफ़ी डिमांड कर रहे थे कि अली मीन गंडापुर के फैसले पर इमरान खान को दोबारा सोचना चाहिए तो इमरान खान उन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे ये बात हो रही थी तो अब अली मीन गंडापुर रवाना कर दिए जाएंगे इसके पीछे कौन है फजलुर रहमान की जमात का एक मोहरा और क्या ये हो पाएगा एक टाइम बार्ड सिचुएशन होती है जिसमें 120 दिन है कि कार्रवाई उन 120 दिनों के अंदर होने वाली दरख्वास्त पर की जाएगी लेकिन अब ये 2020 का मामला 120 दिन छोड़ी 2020 का मामला है मगर इस केस में कार्रवाई हो जाएगी इमरान खान साहब के मामले में भी यही हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है और जब एक प्रेसिडेंट आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि नहीं मजीद किया जा सकता है तो अली बिन गंडापुर के मामले में खबर यह है अंदर से ज़रा ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर नहीं बच पाएंगे और फिर इमरान खान साहब की जमात से अगला कौन आता है इसको देखना होगा इस हुकूमत को चलने दिया जाए आसान बात नहीं होगी मुश्किल पैदा होंगी और इमरान खान की जमात के लिए मुश्किल ग्रेजुअली बढ़ेंगी इम्तहान बड़ा है इमरान खान की जमात पर आप देखिए अलीमा ख़ान साहब इमरान खान साहब की बहन वो कह रही हैं कि अब एहतजाज जो है उसकी हमत बदलना होगी बढ़ाना होगा उसको उसका दायरा कार भी बढ़ाना होगा उसकी शिद्दत को भी बढ़ाना होगा यही बात मुराद सईद एक बार फिर आए हैं ट्विटर पे उन्होंने भी की है और वो भी ये कहते हैं कि एहतजाज की शिद्दत को उसके दायरे को बढ़ाना होगा और आगे बढ़ना होगा इस सिलसिले में और साथ ही उन्होंने तो ये भी बता दिया कि मीडिया पर क्या क्या करना है पी वाले इस वक्त कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं एक लंबे चौड़े ट्वीट के साथ मुराद सईद ने एक प्लान भी दे दिया है तो जब यह बात हो रही है तो क्या इन मुजाहिरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ फजल रहमान की जमात होगी होगी तो क्या होगा नहीं होगी तो क्या होगा इस पर बात करने से पहले एक और चीज़ देखिए रहमान मुल्क से बाहर हैं गफूर हैदरी ने यह कहा है कि हम सैनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे जो सैनट में यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का मुकाबला है उसमें फज़लरमान की जमात मुकाबला कर रही है यानी हम ये देख रहे हैं कि वह फजलरहमान जिन्होंने कहा कि नहीं आसिफ अली जरदारी को नहीं मुस्लिम लीग नून के तीन वफूद गए मुलाकात के लिए उनको नहीं शहबाज शरीफ गए नहीं फिर बिल आखिर मियाँ नवाज शरीफ चले गए और हैरान हैरानकुन था कि मियाँ नवाज शरीफ को भी ना कर दिया मियाँ नवाज शरीफ को रिसीव करने वो जो बाहर आने वाला जैसर है वो भी नहीं था भेजने वाला जैसा भी नहीं था और फजल रहमान ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी कच्ची कर दी जब ये हो गया तो अब ये लग रहा था कि रहमान से चूँकि पाकिस्तान दल साहब के वफूद मिल चुके एहतजाज की हिकमत अमली होगी बड़ी तहरीक चलेगी रहमान की जमात होगी तो जो पी टी आई के साथ किया जाता है सड़कों पर तशरीफ़ लाल कर दी जाए और वहाँ पे उनकी ठुकाई हो ठीक ठाक तरीके से वो नहीं होगा फजल रहमान की जमात के मौजूद होने से सिचुएशन मुख्तलिफ होगी लेकिन अब ऐसा लगता है कि फजल रहमान की जमात आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के साथ जा रही है मैनेज हो रही है और जब मैनेज हो रही है तो फजलान की जमात जो है उनका आपको पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ का साथ देना उसमें बैक पर जाना ये नज़र आए अब अगर वो बैक पर चले गए तो पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ के लिए एहतजाजी हमत अमली का चैलेंज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इमरान खान खुद बाहर होना तो एहतजाजी हमत अमली अलग होती है यानी इमरान खान अपोजिशन में ज्यादा भरपूर सियासत करते हैं अब इमरान खान अडियाला जेल में है तो जो बाहर लोग हैं उनको ये भरपूर सियासत करनी है अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहरी कहा जा रहा है अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं दीगर लोग ये कह रहे हैं और आप देखिए कि बैरिस्टर अली जफर ने गो के एक बुरा प्लान दिया और तीन बातें की उन्होंने एक दस जमातों का दस हल्कों को खोला जाए और फिर हमारी जमात से बात की जाए खुवात जो हैं उनकी रिहाई के इकदाम किए जाएँ फिर हमारी जमात से बात की जाए और हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए ये तो बहुत ही बुरा प्लान यानी एहतजाज की इजाजत दी जाए ये कौन सी लैंग्वेज है ये कौन सा जेस्चर है कि आप एहतजाज की इजाजत दी जाए ये बात कर रहे हैं आप सीधी बात करते हैं हम एहतजाज करेंगे भरपूर एहतजाज करेंगे बाहर आएंगे हम यहाँ पर धरना देंगे हम बैठेंगे ये हमारा हक है इजाजत दी जाए वाला फैसला इसमें नहीं होता तो इसमें फजल रमान की जमात शामिल होगी या नहीं होगी ये भी देखना होगा पाकिस्तान तहरी इंसाफ ख़ुद अगर इस पर अमल दरामद करती है तो अभी उन्होंने अच्छे मुजाहरे हैं उन्हें और अच्छा मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है इस मुजाहरे को कौन लीड कर सकता है? जाहिर जो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं उनमें शे रफ़ मरवत इसको सबसे बेहतर लीड कर सकते हैं सीमा बिया ताहिर इसको बहुत बेहतर लीड कर सकती हैं ऐसे ही दीगर रहन पाकिस्तान तहरीकि के जो स्पेशली वखला रहनमा हैं वो इसको बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं आमिर डोगर इसको बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं तो ये अगर इस तरह से पाकिस्तान तहरीकि कर पाएगी तो कामयाबी होगी और जाहिर के इन मुज़ाहिरों में फिर हम देखेंगे अलीमा ख़ान साहिबा इमरान ख़ान साहब की दूसरी बहन वो भी आकर बैठेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन लेकिन क्या इसमें फजलर रमान होंगे मेरे पास जो इतला आ रही है उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है फजलरहमान जो आएँ उन्होंने अपनी आ, एक बारगेनिंग पोजिशन बनाई थी गुजशत कुछ दिनों के स्टांस के साथ वो बार्गेनिंग पोजीशन जो है शायद उनके लिए काम कर गई है और आप फजल रहमान को पीछे तो देखेंगे यानी वो फजल रहमान जो धांधली है धरना है मैंडेट कबूल करो की बातें कर रहे थे वो कुछ नहीं बोले जब उन्हें खैबर पख्तनख्वा में फ़ायदा हुआ ये मखसूस नशस्तों वाले मामले में तो इसलिए कुछ नहीं बोले और मुमकिन है कि फजल रहमान को पहले आप बलूचिस्तान में और फिर उसके बाद मरकज़ में इन तमाम लोगों से हाथ मिलाते हुए इनके साथ जाते हुए देखें तो सिचुएशन बदलेगी और एक बार फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रहमान के दरमियान मुमकिन तौर पर बिगड़े हुए हालात देखें और अगर ये नहीं होता रहमान आ जाते हैं तो इसकी वजह ये होगी कि वो जितनी भरपूर बारगेनिंग चाहते हैं जितनी भरपूर फेवर्स चाहते हैं वो शायद ना मिल पाएँ तो फिर मुमकिन है कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली साइड पर आप उनको देखें और तब भी ये पॉसिबल है कि वो मज़ीद बेहतर अंदाज में बे, अपनी सिचुएशन बेहतर करना अपने हालात बेहतर करना एक अच्छी डील ले पाना उसके लिए कोशिश कर रहे हूँ मेरे सोर्सेस का ये कहना है मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जाते जाते मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद औरंगजेब के हवाले से ये कहा गया है ब्लूमबर्ग की जानब से कि शहबाज शरीफ का बेहतरीन इंतखाब है तो एक बात तो साफ हो गई कि 16 महीने वाले इसहाकड भी और उससे पहले वाले साहागड भी शहबाज शरीफ या नून लीग का बेहतरीन इंतब बिल्कुल नहीं थे मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में